स्ट्रीट वाली मंचूरियन की बात ही कुछ अलग होती है। इसमें परफेक्ट शेप नहीं दिया जाता है, लेकिन इसका टेस्ट का कोई कंपैरिजन नहीं है। आज मैं वही स्ट्रीट स्टाइल ड्राई कैबेज मंचूरियन की रेसिपी आप लोगों के लिए लाई हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पत्ता गोभी को चॉपर से बारीक चॉप करके लिया है। आप ग्रेटर से बड़े वाले साइड से ग्रेट भी कर ले सकते हैं। बारीक वाले साइड से ग्रेट करने पर इसमें से और भी ज़्यादा पानी निकलता है। इसमें डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, साथ ही डालेंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप तीखा कम भी कर सकते हैं। अब जाएगा इसमें 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, और डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 चम्मच जितना सोया सॉस ऐड करेंगे। बाइंडिंग के लिए इसमें डालेंगे 1/2 कप जितना मैदा। और 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पत्ता गोभी में से जो पानी निकलेगा उसी में ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बाइंडिंग ठीक से ना हो तो ऊपर से थोड़ा और मैदा मिक्स करेंगे। ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसे थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते हुए ऐसा हल्का राउंड शेप देंगे। एकदम से परफेक्ट राउंड शेप देने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसे तेल में फ्राई करेंगे। तलने के लिए तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब एक एक कर मंचूरियन बॉल्स को डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रख के इसे तलेंगे। देखिए ये सारे बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अच्छा सा एक गोल्डन कलर आ गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट मंचूरियन की ग्रेवी तैयार करने के लिए एक वोक पैन में हम ऑयल ऐड करेंगे। तेल के गर्म होने के बाद उसमें डालेंगे 1 चम्मच बारीक चॉप किए हुए लहसुन और 1/2 चम्मच डालेंगे फाइनली चॉप किए हुए अदरक, और जाएगा इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन सारी चीज़ों को हम 1 मिनट के लिए सौते करेंगे। फिर इसमें डालेंगे बारीक चॉप किए हुए प्याज, प्याज को ट्रांसलूसेंट होने तक भुनेंगे। एक से दो मिनट प्याज को भुनने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 कप फाइनली चॉप की हुई पत्ता गोभी और कैप्सिकम, इन्हें भी 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे सौते करेंगे। इन्हें कुछ देर सौते करने के बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच जितना विनेगर, और जाएगा इसमें 4 से 5 चम्मच भर के टोमेटो सॉस, 2 चम्मच जितना सोया सॉस डालना है, और फिर जाएगा इसमें 2 चम्मच रेड चिली सॉस। आप इसकी जगह ग्रीन चिली सॉस भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक आपको यहाँ कमी डालना है क्योंकि सॉसेज में भी नमक होते हैं। और डाल देंगे इसमें 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें हम यहाँ 1/2 कप पानी ऐड कर देंगे। एक बार मिक्स कर लेंगे। जब इसमें से उबाल आने लगे तब एक कटोरे में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और पानी डालकर पतला सा घोल बनाकर ग्रेवी में डाल देंगे। इससे ग्रेवी और थिक हो जाएगा और मंचूरियन बॉल अच्छे से सॉसेज में कोट हो जाएंगे। अच्छे से मिलाने के बाद इसमें फ्राई किए हुए बॉल्स डाल देंगे। अब इन्हें अच्छे से सॉसेज में कोट कर लेंगे। अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियंस हो तो लास्ट में इसमें डाल सकते हैं। और ये हमारा एकदम परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल ड्राई मंचूरियन तैयार है। आप भी इस रेसिपी को एक बार घर पर जरूर ट्राई कर सकते हैं। गारंटी है आपको भी ये बहुत ही अच्छी लगेगी। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं।